अगर आप मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने के शौकीन हैं तो यह खबर आपको सचेत करने के लिए है। कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए कि इधर गेम खेलने में आप मस्त रहे और उधर आपका अकाउंट यानी कि खाता खाली हो जाए। दरअसल ऐसा मामला कोरबा जिले के सराईडी गांव में सामने आया, जहां एक नाबालिग से मोबाइल में गेम खेलने के दौरान एटीएम कार्ड का नंबर रजिस्टर करा लिया गया। उसके बाद बैंक खाते से करीब 80,000 रुपए निकाल लिए गए। पीड़ित बैंक पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके खाते से कोई शख्स पैसे निकाल रहा है। पीड़ित ने एसपी से शिकायत की। पुलिस जांच में पता चला कि राशि का ट्रांजेक्शन पेटीएम के माध्यम से किया गया है और पीड़ित के भाई के नाम से अकाउंट बना है। पीड़ित के भाई ने जानकारी होने से मना कर दिया। परिजनों के पूछने पर पीड़ित के नाबालिग बेटे ने बताया कि ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान उसने एटीएम कार्ड का नंबर गेम में रजिस्टर करने के लिए डाला था। कि ये जो है फ्रॉड नहीं है, ये जो खेलने वाला है उसने खुद परमिट कर करके खेला है। तो इसलिए मेरा सभी अभिभावक और गार्जियंस लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को वर्तमान में जिस प्रकार से शिक्षा प्रणाली है, ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियां चल रही हैं, तो अपने बच्चों को जब आप एंड्रॉइड मोबाइल देते हैं तो उसके प्रति सतर्कता रखें।